हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईबीएस पैडागोजी का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट प्रचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के लिए जो आकलन और तकनीकें हैं वो कौन सी होंगी उपयुक्त। तो फर्स्ट है ए परियोजना कार्य, सेकंड बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जर्नल लिखना, डी है विचार मानचित्रण। तो अगर हम बात करें परियोजना विधि से क्या बच्चे सीखेंगे, उसमें क्या है एक शिक्षण विधि का एक शिक्षण विधि होती है जिससे बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे, साथ में कार्य करेंगे। और क्षेत्र भ्रमण से बच्चे क्या सीखते हैं, इससे क्या बच्चों को निजी अनुभव प्राप्त होंगे। तो हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ए और बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। आगे देखते हैं। डी एक ही खेती में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारा डी से फॉलो नहीं करेगा क्योंकि झूम खेती में रासायनिक उर्वरकों का काम कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा डी हमारे यहां से हटा देते हैं, डी को इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है सी डी और ई, तो ई हट गया तो यहां से ई तो है ही नहीं, हमारे फर्स्ट तो होगा ही नहीं। सेकेंड है ए बी और डी, तो यहां पे ये हो सकता है। अगला देखते हैं। थर्ड है ए और बी, फोर्थ है बी और डी। तो एक बार कथनों के बाद समझते हैं। देखो यहां पर ए में बोला जा रहा कि भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ दे, इज द करेक्ट पहला कथन फॉलो कर रहा है। बी बोल रहा है कि भूमि को बांस और खरपतवार को काट कर जला देते हैं, ये भी फॉलो कर रहा है। सी में बोल रहा है कि भूमि को क्या करते हैं, जुताई करते हैं, तो ये हमारा इसे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सी भी से फॉलो नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास बचते क्या है, ए बी और डी। तुम्हारा आंसर ए बी डी में ही है। ए बी डी किस ऑप्शन में देखते हैं। ए बी डी हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इज द करेक्ट आंसर, सेकंड वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। यहाँ ये क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। सीटेट में ऐसा बहुत होता है, हमें हर वीडियो में डिस्कस किया है कि ऐसा बहुत करते हैं कि नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और नेगेटिव में आंसर पूछा जाता है और बच्चे क्या करते हैं और पॉजिटिव में आंसर दे देते हैं। तो इस तरीके हम क्वेश्चन को पढ़ के चलेंगे। तो फर्स्ट है पूर्वानुमान, सेकेंड है निर्धारण, थर्ड है निष्कर्ष निकालना, फोर्थ है अवलोकन करना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पूछताछ आधारित जो नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा निर्धारण करना। कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला निर्धारण करना हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव में। पूर्वानुमान से क्या बच्चे का कौशल विकसित होता है, निष्कर्ष निकालना इससे भी बच्चे का कौशल विकसित होता है, अवलोकन करने से बच्चे का कौशल विकसित होता है। तो तीनों पॉजिटिव में और जो नेगेटिव में हमारा सेकंड वाला है, इज द करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो राधा जो टिकटों का उपयोग कर रही है और प्रभावपूर्ण ढंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चर्चा के बारे में बोला जा रहा है। तो फर्स्ट है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी
अलग होती है, भिन्न होती है। सेकंड है, यात्रा की लागत उस वाहन पर या उस वाहन द्वारा ईंधन प्रयुक्त होने पर निर्भर करती है। सी है, सार्वजनिक वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी ए आर छप गया की समझ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर दे रहे हैं, एक तो दे रहा है फर्स्ट वाला कि अलग अलग वाहनों से यात्रा करने पर लागत अलग आती है या भिन्न आती है, ये इज द करेक्ट, क्योंकि प्रत्येक वाहन से अलग अलग वाहन से जाएंगे तो सबका अलग अलग किराया होता है। दूसरे में सी में बोल रहा है कि सार्वजनिक वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें क्या करना होता है, टिकट लेनी पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इज द करेक्ट थर्ड वाला, ए और सी। ठीक है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक विधि प्रतीत होती है? तो सबसे अच्छी विधि के बारे में बताना हमें प्राथमिक लेवल पर, तो वो कौन सी होगी? फर्स्ट है, अध्यापक द्वारा स्याम पट पर मानचित्र बनाना और विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। सेकंड है, विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। थर्ड है, विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। फोर्थ है, विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करें और करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो सबसे जब हम प्राथमिक लेवल की बात करते हैं तो सबसे उपयुक्त जो विधि होगी हमारी फोर्थ आंसर, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए अपने ही संकेतों का मतलब खुद के अनुभव के अकॉर्डिंग बात की जा रही है और उन्हें उपयोग किया है, और अपने परिवेश की बात की जा रही है, और दूसरा अपने वस्तु सापेक्ष स्थिति की बात की जा रही है, दिशा ध्यान पर केंद्रित की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन बात की जा रही है कि अपने एनवायरनमेंट में रहकर अपने एनवायरनमेंट से जोड़कर हमें मानचित्र का प्रयोग करना है या मानचित्र शिक्षण के बारे में बताया जा रहा है। इज द बेस्ट, हमारी सबसे उपयुक्त विधि होगी वो होगी फोर्थ वाली, इज द करेक्ट आंसर। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये रूल हमारा फॉलो कर रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है हमें उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। कक्षा फिफ्थ की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों का क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो एक अध्यापिका है फिफ्थ क्लास की महिका, जो कि अपने स्टूडेंट्स को चाहती है कि आसपास के पौधों का अवलोकन करें और उसे प्रोत्साहित करने के लिए वो उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन है फर्स्ट, यह समझना कि पौधों की सजीव होते हैं। सेकंड है, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। थर्ड है, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। फोर्थ है, इनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इस द करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है उनकी ऊंचाई और पत्तियां, गंध और उगने वाले स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इससे क्या, यहाँ पर बच्चा ज़्यादा हम प्रोत्साहित करेंगे तो यहाँ बच्चों के निजी अनुभव आएंगे, बच्चे यहाँ पर जाँच पड़ताल करेंगे, बच्चे यहाँ काम करने में इन्वॉल्व होंगे। तो इस सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फोर्थ वाला होगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इज द बेस्ट आंसर होगा। बाकी की हम बात करें तो बच्चों को बता देंगे कि सजीव होते हैं, ठीक है वो मान लेंगे सजीव होते हैं, और इनसे कंपेयरता कर लेंगे हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो भी मान लेंगे, और पांच नाम लिखना, ये रटत प्रणाली तरफ ज्यादा, इसलिए आंसर ये होगा ही नहीं। तो हमारा इज द बेस्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में, दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो प्राथमिक लेवल पर जब पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट है, क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना। सेकेंड है, आकलन में सफलता प्राप्त करना। थर्ड है, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। फोर्थ है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो देखो यहाँ पे हम क्रियाकलाप संचालित करने की बात कर रहे हैं, कौशल का विकास करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आकलन सफलता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, और थर्ड में बात कर रहे हैं कि हम विज्ञान आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में बात कर रहे हैं,
तुम्हारे इतने बेहतरीन आंसर नहीं हो सकते। इससे बेहतरीन आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों को प्राकृतिक से जोड़कर और सामाजिक और सांस्कृतिक से जोड़कर पर्यावरण को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट जो एनसीएफ कहता है यही कहता है कि हमें बच्चों को ज्यादा सिखाने के लिए इन्वायरमेंट से जोड़कर पढ़ाना है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में, और इतनी मेहनत करने के बाद में लाइक तो बनता है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण अंकन सीखने से विद्यार्थियों में निम्न से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राथमिक लेवल पर मानचित्र का अंकन कराएंगे विद्यार्थियों को, तो कौन से कौशल का बढ़ावा मिलेगा या बच्चा सीखेगा उससे। फर्स्ट है साफ सुथरा रेखा अंकन, सेकेंड है गणनाएं और अनुमान, थर्ड है माप के अनुसार चित्रण करना, फोर्थ है सापेक्ष स्थिति और दिशास की बोध जानकारी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि सापेक्ष स्थिति, हमें क्या है मानचित्र में जब चीजें देखते हैं तो स्थिति वस्तु की स्थिति हमें पता चल जाती है और दिशा का बोध है, मतलब दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। निम्नलिखित तालिकाओं का अध्ययन कीजिए। तालिका दी गई यहाँ पे जून 2007 दिसंबर 2014, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर में दिया गया है 47.74, 61.33, 61.33, और डीजल का मूल्य प्रति लीटर में दिया गया है 35.21, 35.21, 50.51, 50.51। तो ये हमारा मूल्य दिया गया है। उपरोक्त अंतालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में लिखा है। देवमीत ने क्या लिखा है देखते हैं आगे। अच्छा, कुछ कथन दिए गए हैं उन्हें, देखते हैं निष्कर्ष टाइप का दिया गया। देखते हैं डीजल, फर्स्ट है ए डीजल, सॉरी पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। पेट्रोल क्या है? डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। डी है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि ज्यादा की है। पेट्रोल से ज्यादा क्या हुआ है? डीजल के पैसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं। सी है डीजल सस्ता है इसलिए सर्वाधिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल सस्ता है और सर्वाधिक जो वाहन होते हैं इस पर चलते हैं। डी है डीजल पेट्रोल से सस्ता है। डीजल क्या है? पेट्रोल से सस्ता है ईंधन है, इससे लोगों को डीजल की गाड़ी खरीदनी चाहिए, ये बोला गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके एक बार। ऑप्शन है इसके निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, सही पूछा गया इसमें से। फर्स्ट है बी और सी निष्कर्ष हैं, सेकंड है बी सॉरी सी और डी निष्कर्ष हैं, थर्ड है ए और डी प्रेक्षण है मतलब खोज होता है ये, और फोर्थ है ए और सी प्रेक्षण, ये भी क्या उसकी खोज है बच्चे की, प्रेक्षण मतलब खोज होता है। तो हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा सेकंड वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं सी में और डी में निष्कर्ष निकाला, क्योंकि डीजल क्या सस्ता है इसलिए सार्वजनिक वाहनों पर इस पर चलता है, क्यों सस्ता है इसलिए सिर्फ सार्वजनिक वाहन इससे ज़्यादा चलते हैं ये बोला जा रहा है, और डीजल सस्ता है पेट्रोल से इसलिए लोगों को डीजल की गाड़ी खरीदनी चाहिए, ये निष्कर्ष निकाला गया है गुरमीत स्टूडेंट के माध्यम से। तो हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपायों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर, यह भी क्वेश्चन क्या है नेगेटिव में पूछा गया केवल इसे छोड़कर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें विशेषकर ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ए है मूर्त से अमूर्त की ओर, बी है सरल से कठिन की ओर, सी है स्थान से बेसिक, और डी है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो देखो हमारी ये शिक्षण विधियाँ होती हैं मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, पहले हम देखते हैं फिर अनदेखी के बारे में बात करते हैं, पहले फिर हम बी में देखा सरल से कठिन की ओर, पहले हम सरल बातों की बात करते हैं फिर कठिन बातों की बात करते हैं, फिर स्थानों की बात करते हैं फिर वैसे की बात करते हैं। जो हमारी शिक्षण विधि जो नहीं होती है वो कौन सी नहीं होती है? वो डी नहीं होगी, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त है, इसे उल्टा दे दिया गया इसलिए इसे छोड़ देंगे, बाकी इसे आंसर होंगे। ऑप्शन में किसमें हमारे में सेकंड वाले में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव में ही आंसर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें साथ ही साथ में।
राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संशुष्टि नहीं की, इसके लिए सबसे उपकरण कारण है या उपयुक्त कारण है सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, सेकंड है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा थर्ड से आगे की कक्षाओं के लिए है, सेकंड थर्ड है कक्षा फर्स्ट और सेकंड के विद्यार्थी पढ़ना सीख लिखना नहीं जानते, फोर्थ है संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो देखो केवल दिया गया हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हम कक्षा थर्ड वाले बच्चों की एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। और इसमें दिया गया है कि पढ़ना नहीं जानते, तो ऐसा नहीं है पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पाठ्यक्रम को कम करना ये भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, जो एनसीएफ का जो उद्देश्य है 2005 का वो उद्देश्य उसका है कि इन्वायरमेंट में युक्त होते हुए या प्रवेश देते हुए हमें क्या बच्चों को पढ़ाना होगा फिफ्थ क्लास की में। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला इज द करेक्ट आंसर एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। एक अध्यापिका को कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताओं पढ़ानी है, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोच्चतम विधि निम्न में से क्या है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक अध्यापिका है फोर्थ क्लास की, उसे अपने विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की विविधताओं मतलब अलग अलग पढ़ाने के बारे में किस विधि का प्रयोग करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों और चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, सेकंड है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विधिवत भोजन के बारे में विद्यार्थियों से एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें, थर्ड है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया उसके बाद चर्चा करें, फोर्थ है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवेश के बारे में या भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो जब बात की जा रही है हमारे देश के बारे में तो देश की बात करेंगे, जैसी बात है हमारे स्टेट के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में क्या बात की जा रही है, विभिन्न प्रकार के खाने के चित्रों के बारे में, चित्र पे फ्लैश कार्ड दिखाएं, इससे हमारा बेस्ट ऑफ आंसर नहीं आएगा। फिर पूछा जा रहा है विद्यार्थियों ने क्या खाया, तो विद्यार्थियों ने खाने के बारे में बात करें तो वो भी क्या है, हम अलग अलग स्टेटों की हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नहीं बैठेगा। परिवार में तो ये क्या है उनके एनवायरमेंट से संबंधित बात, और बात कर रहे हैं हम स्टेट के लेवल के देश के बारे में, तो हमारा सबसे बेहतरीन जो आंसर बैठता है वो होगा हमारे अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विधिवत भोजन के सर्वाधिक विद्यार्थियों को क्या परियोजना एक प्रोजेक्ट देना होगा, क्योंकि प्रत्येक स्टेट के बारे में बच्चे के अध्ययन करेंगे और भोजन के बारे में बात देखेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा भोजन खाया जाता है या किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। तो इस द बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में, थोड़ा जल्दी चलते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम कह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि फर्स्ट ऑप्शन है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, सेकंड है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, थर्ड है पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, फोर्थ है इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय पर फोकस करते हैं। तो हमारा इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि अधिकांश पक्षियों के नेत्र क्या इस तरह होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाने का कार्य करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए, इस द करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो रीना क्या है आम खाना पसंद कर रही है और जाड़ों के लिए वो संरक्षित करना चाहती है मतलब इकट्ठा करके रखना चाहती है, तो वो कौन सी उपयुक्त विधि होगी ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट है अचार और आम पापड़ बनाना, सेकंड है जूस तैयार करना और वायुरोधी डब्बों में बंद करना, थर्ड है प्लास्टिक के थैले में रखना, फोर्थ है रेफ्रिजरेटर में रखना। तो जब आम को हम ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं वो क्या कारण हो सकता है, वो अचार के माध्यम से और आम पापड़ के माध्यम से रख सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट चेक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सेकंड चेक करते हैं कि जूस को क्या हम ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, प्लास्टिक के थैलों में आम खराब हो जाएंगे और रेफ्रिजरेटर में भी ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, इसलिए हमारे ये बाकी का आंसर नहीं होंगे, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य, केरल के राज्य के बारे में पूछा गया है, केरल के राज्य होंगे,
फर्स्ट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक और महाराष्ट्र, थर्ड है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, फोर्थ है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पर केरल के निकटवर्ती आसपास के राज्य वो कर्नाटक और तमिलनाडु है। इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समय से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है गोवा, थर्ड है जम्मू कश्मीर, फोर्थ है बिहार। तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है नारियल के तेल में किस राज्य के लोग समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो देखो अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम क्या है, यहाँ समुद्र पड़ता नहीं है। अगर लॉजिक लगाया जाए जम्मू कश्मीर में समुद्र नहीं पड़ता और बिहार में समुद्र नहीं पड़ता, तो कहाँ का बचता हमारा ऑप्शन गोवा। गोवा कहाँ पड़ता है, समुद्र के किनारे। तो इसलिए यहीं के लोग क्या करते हैं नारियल के तेल में समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। और ये भी करेक्ट है कि ये भी यही लोग खाना पसंद करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या जंतु जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं, वह कौन सा जानवर है या जंतु है जो कि अपने उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और उन्हें न बढ़ने देने के कारण वस्तु को काटता कुतरता रहता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है दीमक, सेकंड है गिलहरी, थर्ड है छिपकली, फोर्थ है चूहा। बहुत से लोग इसमें चूहा भी जाएंगे, बहुत से बच्चे, मगर इस तक रॉन्ग आंसर, हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा बेस्ट आंसर होगा गिलहरी। गिलहरी को आप लोगों ने देखा होगा कभी भी, गिलहरी कुछ ना कुछ काटती रहती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। इसका करेक्ट आंसर गिलहरी के दांत आगे बढ़ते रहते हैं और यही कारण है वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। इसका करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें साथ ही साथ में। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, फर्स्ट ऑप्शन केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, सेकंड है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, थर्ड है बंजर हो जाएगी, फोर्थ है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। देखो कोई किसान है वो बार बार क्या कीटनाशकों और रासायनिक खादों का उपयोग कर रहा है, तो उससे क्या है उसकी भूमि किस प्रकार की हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा है केवल हमारा कीवर्ड काम करता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि धान की फसलों के लिए उपयोगी होगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा केवल की वजह से भी हमारा ऑप्शन अट जाएगा। दूसरा बात करते हैं जुताई के लिए उपयुक्त ऐसा नहीं है कि जुताई के लिए उपयुक्त हो जाएगी, और फोर्थ में बोला गया कि अन्य फसलों की उपजाई हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, तो वो जो नहीं होगी वो क्या हो जाएगा उसकी जो बंजर भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी उसकी भूमि, कैसे हो जाएगी भूमि बंजर होगी। ज्यादा हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या भूमि क्या बंजर होने के चांसेज होते हैं या बंजर हो जाती है, इसलिए हमें ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यही हमारा इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए, कथन दिए गए देखते हैं कथनों को। फर्स्ट है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, जैसे ए कह रहा है। बी है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के अंदर या भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। सी है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो देखो ये जो वृक्ष होता है वो रेगिस्तानी है, बिल्कुल सही बात है, और लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है 4 मीटर तक होती है, इसका करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी कि इसकी जो जड़ें होती हैं जब तक गहराई में जाएंगी जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाएंगी जो कि 30 गुना गहराई तक जाती हैं, और इसके तने में क्या पानी एकत्रित होता है, इज अ करेक्ट। हमारा ये तीनों फॉलो कर रहे हैं ए बी सी, डी हमारा फॉलो नहीं कर रहा कि अबू धाबी में पाया जाता है, तो हमारा ए बी सी किस में फोर्थ वाले में इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। ये क्वेश्चन क्या है सॉल्व करने वाला है, थोड़ा पढ़ के बता देते हैं, उसका ऑप्शन बता देते हैं, बाकी आप सॉल्व करके देखने के बाद। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नगर कोयल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा और रेलगाड़ी 7:45 मडगांव से चली और अगले दिन 3/1/2015 को 4:45 पर नगर कोयल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी लगभग में पूछा गया है।
तो यहाँ पे हम ऑप्शन डायरेक्टली आपको बता देते हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आएगा सॉल्व करके। थोड़ा सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा क्या होगी? पहले ऑप्शन देखते हैं, पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, सेकंड है पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में, थर्ड है दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में, फोर्थ है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। पहले क्या करेगा, वो दिल्ली रहता है जब, तो पहले दक्षिण दिशा में भोपाल जाएगा और फिर क्या झारखंड रांची जाएगा तो पूर्व दिशा में जाएगा। अगर हम एक उदाहरण दें, जैसे अपने आप को हम भारत का मैप मानते हैं, तो राइट हैंड हमारा पूर्व हो जाता है और लेफ्ट हैंड हमारा पश्चिम हो जाएगा और हमारा गर्दन क्या हो जाएगा उत्तर दिशा हो जाएगी और पैर हमारे क्या हो जाएंगे दक्षिण हो जाएगा। तो हम जैसे कि नाक की साइड से नीचे चलते हैं तो क्या पहले दक्षिण जाएंगे भोपाल की तरफ और फिर क्या करें हम रांची झारखंड जाएंगे तो हम सॉरी राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा झारखंड की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा दक्षिण से पूरब की ओर, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? जानवर दिए गए कौन सी विशेषता पाई जाती है पूछा गया क्वेश्चन में। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। फर्स्ट है ये सभी अंडे देते हैं, सेकंड ये सभी जहरीले होते हैं, थर्ड ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, फोर्थ है इनके शरीर हल्के सॉरी सल्क से ढके रहते हैं। तो देखो सल्क से तो मछलियों को ढके रहते हैं तो हमारा ये फोर्थ वाला नहीं होगा। जल और भूमि में रहते हैं ये भी ऐसा भी नहीं, गौरैया क्या है उड़ती है तो ये भी नहीं होगा हमारा। जहरीले होते हैं तो पक्षी क्या कभी जहरीले होते नहीं है, तो हमारा छपकली सांप होते हैं जहरीले, तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, ये सभी अंडे देते हैं, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सेकंड है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, थर्ड है पाठकों को आनंददायक बनाना, फोर्थ है भाषिक कौशल को बढ़ावा देना। तो यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राथमिक लेवल पर बात की जा रही है, प्राथमिक लेवल पर कहानी और कविताओं को पर्यावरण अध्ययन में क्यों उपयोगी माना जाता है, यह मुख्य उद्देश्य है, ये पूछा रहा क्वेश्चन में। तो इसका इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान किया जाता है। कविता और कहानी से क्या होता है, बच्चों को एक इन्वायरमेंट क्रेडिट होता है, इसलिए कविता और कहानी इसमें इंक्लूड की जाती है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या में या करिकुलम में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भाव के विषय पर अपनी कक्षा फिफ्थ के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो प्राथमिक लेवल की जो शिक्षिका है वो अपने जल भाव के बारे में बताना चाह रही है बच्चों को, फिफ्थ क्लास फोर्थ क्लास के बच्चे हैं सॉरी, और प्रभावपूर्ण तरीके से समझाना चाहती है। तो कैसे समझाएगी, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखवाने के लिए कहकर, फर्स्ट सेकेंड है उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, थर्ड है यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, फोर्थ है जल संरक्षण पर पोस्टर बनवाने की विधि का आयोजन करके। तो देखो हम बात कर रहे हैं नारे लिखवाना, तो ये रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। लिखित परीक्षा की ये भी रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम पोस्टर बनवाने की बात करते हैं तो गतिविधियाँ शामिल तो होंगी मगर इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चे ऊपर, तो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि उसमें क्या है बात की जा रही है अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की जाती है, ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए जाएं, इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे या करेंगी? तो जैसे कि अगर आप टीचर ने आपके प्रबंधक ने या प्रिंसिपल ने आपसे कहा है कि आप फिफ्थ क्लास के बच्चों को यात्रा पर ले जाएं शैक्षिक यात्रा पर, तो आप उस यात्रा में ऐसा क्या शामिल करेंगे जो कि बच्चों को सबसे सार्थक बनाने में लगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाकलापों की एक विस्तृत सॉरी स्त्रीकृत सीट पर सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना
या प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। सेकेंड है, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। थर्ड है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। फोर्थ है, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतपूर्वक अवलोकन करें। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है फोर्थ वाले में, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है कि बच्चों को शांतिपूर्वक रहें। जब बच्चे शांति रहेंगे तो बच्चे सीख क्या पाएंगे? कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आनंद तो हमें बच्चों को आता है, पर ऐसा कुछ नहीं करना है, आनंद हमें बच्चों को सिखाना, आनंद नहीं देना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जहाँ जाना है जानकारी प्राप्त करने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कहना, तो ये पढ़ने के लिए ये रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों से क्रियाकलाप करा रहे हैं सारे के सारे। हमें क्या करना है, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि तुम्हें क्या करना हो, तो हमारे लिए जो ऑप्शन होगा वो हमें क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा हमारा इज द बेस्ट, क्रियाकलाप होगी एक विशेष सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा में पूछ साझा करना। हम क्या करें, एक सीट लेंगे और प्रमाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों से उस पर डिस्कस से चर्चा करेंगे, तो हमारा जो कार्य यही होगा। बाकी ऑप्शनों में विद्यार्थियों से कार्य करवाया जा रहा है और फर्स्ट वाले में टीचर से करवाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक लेवल पर पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन में कौन सा संकेतक नहीं होगा। तो फर्स्ट है हमारा स्मरण रखना, सेकेंड है प्रश्न पूछना, थर्ड है न्याय और समानता के प्रति चिंता, फोर्थ है संयोग। तो अगर प्राथमिक लेवल की बात करें तो स्मरण रखना नहीं होगा, रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, ये हमारा नहीं होगा। प्रश्न पूछने से बच्चा सीखता है, न्याय और समानता के प्रति बच्चा की चिंता व्यक्त करता है, बच्चा देखता है एनवायरमेंट के प्रति, अच्छा लगता है बच्चे को, और से क्या है बच्चा कुछ सीख नया सीखता रहता है, संयोग से भी बच्चा सीखता है। तो इसका हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो वो पौधे के बारे में पूछा गया कि जिसे हम सब्जियां भी उन पत्तियों को खाते हैं रूप में और तेल भी प्राप्त करते हैं, तो पौधा कौन सा है। तो फर्स्ट है पालक, सेकेंड है नारियल, थर्ड है बंद गोभी और फोर्थ है सरसों। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि नारियल के पेड़ की पत्तियों का, सॉरी सरसों के पेड़ की पत्तियों का हम भोजन के, सॉरी थोड़ा सा फ्लो दिक्कत आ गई, सरसों की जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो हम सब्जियों के रूप में खाते हैं, और नारियल सरसों के पेड़ से हम क्या करते हैं, हमें ऑयल प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कुछ कथन दिए गए, ए यह एल्युमिनियम आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, बी इसे भट्टी में कॉपर और टिन से पिघलाकर बनाया जाता है, सी आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, डी ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। तो हमारा जो कथन दिए गए कथनों के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाले में बोला गया है, जैसे फर्स्ट वाला हमारा क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आयरन एल्युमिनियम कॉपर जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो एल्युमिनियम है जो आयरन जो कॉपर जैसा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जैसे सबसे फॉलो कर रहा है वो, हम ब्रॉन्ज को कैसे बनाते हैं, कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाते हैं, कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाते हैं, तो हमारा बी इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये आदिवासी में पाया जाता था, ये इज द करेक्ट, क्योंकि आदिवासी इसका हजारों साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं। डी की बात करते हैं, डी में बात कर रहा है कि जैसे कि इसमें मजबूत और टिकाऊ होती हैं, तो इसे ये क्या फॉलो करता है मजबूत और टिकाऊ को, तो इसे हमारा डी भी इसे फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमारा सबसे आंसर बेस्ट हो जाएगा फोर्थ वाला, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में दोस्तों के साथ में, निम्न में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट है चिकनगुनिया मलेरिया म्यादी बुखार, सेकंड है हैजा डेंगू मलेरिया, थर्ड है चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, फोर्थ है चिकनगुनिया हैजा म्यादी बुखार। तो मच्छरों से जो फैलता है, तो मलेरिया आपने सुना होगा, तो मलेरिया किस में नहीं आया, फोर्थ में नहीं आया, तो हमारा फोर्थ हम इसे हटा देंगे, बाकी तीन में आया। अब बात करते हैं हम मलेरिया,
चिकनगुनिया इससे नहीं फैलता, ना ही मियादी बुखार फैलता है। तुम्हारा जो आंसर इसका हो जाएगा बेस्ट, हैजा सेकंड वाला, क्योंकि जो चिकनगुनिया एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, सॉरी एनाफिलीज से नहीं फैलता है। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, हैजा डेंगू और मलेरिया जो कि मच्छर के माध्यम से फैलती है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल फर्स्ट सेमी इक्वल टू 110 मिमी, यदि इस चित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग में क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1.067 मीटर, सेकंड है 2.01 किमी, थर्ड 11 किमी, फोर्थ है 10 किमी। तो देखो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यहाँ पे की जा रही है कि एक कोई स्केल पर कोई मानचित्र हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जो उसकी जो दूरी है वो एक सेमी में, वो एक सेमी में कितनी मी 110 मीटर है एक सेमी में। तो अगर किसी मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी में आंकी गई है तो उसकी दूरी क्या होगी। तो अगर हम इसका इनटू कर देते हैं, अगर हम इसका इनटू कर देंगे तो हमारी इसका वेस्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे जो किलोमीटर में हमारा आंसर निकलेगा ये वाला, 1 किलोमीटर 67 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आज बोलने में थोड़ा काफ़ी देर होगी बोलते बोलते, थोड़ा सा जीप को थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, आप एक बार सॉल्व करके देख रहे हैं, ऐसे फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर है हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।